नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। शिवपुरी जिले की बराड़ पुलिस की अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही। कच्ची शराब 140 लीटर कीमती 14,000 रुपए को जब्त किया गया और 1,000 लीटर लहन नष्ट किया गया। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी रघुवंश सिंह भदौरिया द्वारा विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मूल्य के निर्देशन में एसडीओपी पोहरी सुजीत सिंह भदौरिया के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी बराड़ निरीक्षक नवीन यादव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम बिलपुरा रयन के जंगल में क्वारी नदी के पास हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब बनाई और बेची जा रही है। संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी बराड़ द्वारा टीम तैयार कर बिलपुरा रयन के जंगल में भेजा गया, जहां मुखबिर की सूचना पर से आरोपी से छोटे छोटे 3 ड्रम के साथ एक आरोपी से हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब 140 लीटर कीमती 14,000 रुपए जब्त की गई। बाद में जंगल में 1,000 लीटर लहन को नष्ट किया गया। बाद में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 356/23 धारा 34 आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध किया कर आरोपी को जीआर पर पेश किया जाएगा। संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी बैराड़ निरीक्षक नवीन यादव, सह उप निरीक्षक दशरथ सिंह राजपूत, जगेश सिंह सिकरवार, अवधेश शर्मा, अरुण विक्रम सिंह, वैशाली श्रीवास्तव, चालक धर्म सिंह की सराहनीय भूमिका रही। शिवपुरी से खबर समय जगत के लिए सतीश ठाकड़ की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।